हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपोर्ट से ब्लैक स्पॉट कैसे हटाते हैं, जो हमारे एक्सपोर्ट के ऊपर ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं यानी फ्लैक्स शो करने लगते हैं, उन्हें हम एक्सपोर्ट से कैसे हटाते हैं और थीमेटिक मैच कैसे मनाते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम अपना एक एक्सपोर्ट खोल लेते हैं। आपको यहाँ पर लेफ्ट में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक ओपन का ऑप्शन है, आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद मैं एक लॉग फाइल खोल लेता हूँ, सॉरी एक्सपोर्ट खोल लेता हूँ। डेस्कटॉप पे मैंने डाला हुआ है 25 में 2G का एक्सपोर्ट खोल लेता हूँ। ठीक है, ये एक्सपोर्ट खोल लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं हम फाइल नेम में एक्सपोर्ट की टैब आ गई है। प्रीव्यू, ये प्रीफर्ड व्यू है, इसमें आपको करंट मैपर रखना है और इसमें फाइल ऑफ टाइप क्या है, मैप इनपुट टैब। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसे ओपन कर देना है। देखिए ओपन हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से राइट में जूम इन का ऑप्शन देख रहे हैं, ये प्लस का साइन जो है, इसको आपको जूम इन कर देना है। ठीक है, देख रहे हैं आप, इस पर ब्लैक ब्लैक स्पॉट है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, राइट की प्रेस करनी है। राइट की प्रेस करने के बाद आपके ऑप्शन आएगा लेयर कंट्रोल, लेयर कंट्रोल पे क्लिक करना है और हमारा जो एक्सपोर्ट था उसको सेलेक्ट करके रखना है और यहाँ पर डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाने के बाद आपको ये टैब ओपन होगा, इसमें स्टाइल ओवरराइड पर क्लिक करना है और फिर आप यहाँ पे स्टार देख रहे हैं, स्टार पर क्लिक करना है। स्टार पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, ये टैब डाउन ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे सेलेक्ट करना है मैप इनपो कैटोग्राफिक, इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करने जाए जो भी देना है कितना। इसके बाद इस ऑप्शन में जो सिंबल होता है उसमें हमें ये डॉट जो सर्किल है ये सेलेक्ट कर देना है। ठीक, और यहाँ पे कलर सेलेक्ट करना है ये वाला। अब क्या करना है आपको, सिर्फ ओके कर देना है, देन ओके, फिर से ओके। देखिए हमारा जो ब्लैक स्पॉट था वो यहाँ से रिमूव हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका थीमेटिक मैप बनाना है। थीमेटिक मैप बनाने के लिए हम कहाँ पे जाते हैं, मैप में जाएंगे। मैप में जाने के बाद हमें एक क्रिएट थीमेटिक मैप का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको रेंज पे क्लिक करना है। रेंज पे क्लिक करने के बाद आप सबसे नीचे जाएंगे, आप नीचे जाके यहाँ पे लिखा देखेंगे लाइन रेंज डिफॉल्ट, लाइन रेंज डिफॉल्ट, उस पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेबल होगा, टेबल में हमें अपना एक्सपोर्ट सेलेक्ट करना है, जो हमारा एक्सपोर्ट ओपन हुआ पड़ा है वो सेलेक्ट करना है। और हमें क्या करना है, मैं क्वालिटी का थीमेटिक मैप बना रहा हूँ, RX क्वालिटी का। तो यहाँ पे देखिए RX क्वालिटी सब ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है, इग्नोर्स इसको टिक कर दिया है और देन नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने ये ओपन होगा। इसके बाद हमें क्या जाना है, कस्टमाइज में जो रेंजेज स्टाइल और लिगेंड्स हैं इनको एडिट करना है। कैसे करेंगे, हमें रेंजेज में जाना है सबसे पहले। जैसे ही रेंजेज पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये टैब ओपन होगा, इसमें मेथड देख रहे हैं इक्वल काउंट लिखा हुआ है, इसमें हमें क्या सेलेक्ट करना है, नीचे देख सकते हैं कस्टम, कस्टम सेलेक्ट कर देना है। कस्टम सेलेक्ट करने के बाद ऑफ रेंज यानी क्वालिटी कितने नंबर्स में लिखनी है, मुझे 3 लेनी है यानी 0 से 5, 5 से 6 और 6 से 7, 3 टर्म्स में लेनी है, 0 से 5, 5 से 6, 6 से 7। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 3 नंबर सेलेक्ट कर लूँगा, 3। ठीक है, और क्या करूँगा फिर यहाँ से रिकैलकुलेट करूँगा। जैसे रिकैलकुलेट करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, 3 वैल्यूज आ जाएंगी। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इधर मुझे 0 दे देना है और यहाँ पर 5 दे देना है। ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, उसके बाद ऊपर वाला सेलेक्ट करना है, इसमें यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। ठीक है, फिर देन ऊपर वाले पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे 6 और यहाँ पर 7। फिर क्या करना है, रीकैलकुलेट पर अगेन क्लिक कर देना है। जैसे रीकैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो ये परसेंटेज है इन्हें देख लेना कितना आ रहा है, 40+2 कितना होता है, 42 और 26, ये 100% नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर भी आपको क्या कर देना, ओके कर देना, ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे फिर क्या करना है आपको, स्टाइल में जाना है। स्टाइल में आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 ऑप्शन आ रहे हैं, उसके नीचे यहाँ पे ऑप्शन का
बटन है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे कर देना है ऑल एट्रीब्यूट्स। ऑल एट्रीब्यूट्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तीन स्टार आ गए। अब आपको क्या करना है, ये 0 से 5 वाले पे क्लिक करना है, ठीक। फिर यहाँ पे ऊपर दिख रहा है फॉन्ट, फॉन्ट में क्या करना है आपको, मैप इनपुट कैटोग्राफी सेलेक्ट करना है। सिंबल में आपको ये सर्किल सेलेक्ट करना है, डार्क सर्किल, और इसमें कलर दे देना है डार्क ग्रीन, ठीक। इसमें कलर दे देना है डार्क ग्रीन, देन ओके कर देना है। फिर इससे ऊपर वाले पे क्लिक करना है, इसमें भी ऐसे सेलेक्ट करना है मैप इनपुट कैटोग्राफी। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से ये दे देना है, नंबरिंग कम कर देनी है, 24 से 12 कर देता हूँ मैं, 12 कर देना है। और यहाँ पे कलर दे देना है हमें येलो, ठीक। फिर ओके, इससे ऊपर चलते हैं 627। 627 यानी हमारा जो सबसे ख़राब होता है, ख़राब क्वालिटी होती है वो होता है 627। यहाँ पे मैप इनपो कैटोग्राफी सेलेक्ट करना है, नंबरिंग में मैं इसे 24 से 12 कर देता हूँ, देन इसे डार्क सर्किल, इसमें रेड, देन ओके। मैं एक बार इसे और दोबारा कर देता हूँ, यहाँ पे ये 24 था, मैं इसे 12 कर देता हूँ, ठीक है। ये तीनों मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मुझे क्या करना है, ओके कर देना है, सिर्फ ओके कर देना है। ओके कर दिया, उसके बाद मुझे जाना है लिगेंड्स में। लिगेंड्स में यहाँ पे आप देख रहे हो टाइटल में, टाइटल में यानी हमें क्या करना है, आरएक्स क्वालिटी, आरएक्स क्वालिटी से हम पहले हमारा एक्सपोर्ट नेम भी आ रहा है, तो उसे हमें क्या करना है, हटा देना है, सिर्फ आरएक्स क्वालिटी लिखा रहने देना है और ओके कर देना है। उसके बाद अब आप देख रहे हैं, अगर इन्हें चाहते हैं 0 to 5 नीचे रहे तो डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे लिख रहा है, देख सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करके रखना है, वरना अगर आप चाहते हैं 0 to 7 ऊपर आए तो असेंडिंग पर क्लिक कर देना है ऐसे, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप चाहते हैं इन फ्यूचर भी हमें ये दोबारा एडिट ना करना पड़े तो आप इसे टेम्पलेट को सेव करके रख सकते हैं। सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नाम दे सकते हैं RX क्वालिटी, ठीक है, RX क्वालिटी आप नाम दे सकते हैं, सेव कर सकते हैं उसे, यानी फ्यूचर में आपको ये एडिट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट वहाँ से ये RX क्वालिटी का ऑप्शन आएगा, उस पर डायरेक्ट क्लिक कीजिए और आपका थीमेटिक मैक बन जाएगा। इस पर ओके कर देना है, ओके कर देने के बाद फिर से ओके कर देना है। देखिए यहाँ पे सभी कुछ शो हो गया है, हमारी जो एक्सपोर्ट था वो अलग अलग कलर में आ गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैन का जो ये टैब खुली हुई है राइट साइड में, इसमें नीचे एक ऑप्शन होता है सो हाइड लिगेंड, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये टैब ओपन हो जाएगी, और आपको क्या करना है, इस टैब को इसके पास लगा देना है और स्नैपिंग टूल से, ये स्नैपिंग टूल होता है, देखिए नीचे स्नैपिंग टूल से क्या करना है, आपको इसे ऐसे करके यहाँ से कट कर लेना है ऐसे, और इसे जहाँ पे भी आप चाहें सेव कर सकते हैं, जैसे मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ इसे उसी फोल्डर में जहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट है। देखिए 25-25 में मेरा एक्सपोर्ट था 2G का, तो मुझे यहीं पे सेव कर देता हूँ RX क्वालिटी के नाम से, RX क्वालिटी के नाम से सेव कर देता हूँ।